नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएफसी के बारे में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। ये ऑलरेडी जो है एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ दोस्तों ऑल टाइम हाई और एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, मगर ना दबाव देखने को मिल गई। जी हाँ दोस्तों, ये कितने का एरिया है तो 8 फरवरी के इसने हाई बनाया था 475 पे। आज कितने का किया है तो आज देखिए इसमें 2 मई 475 सेम एरिया पे निकल से दबाव बनाने का प्रयास हो गया। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं लेता है तब तक इसमें थोड़ा सा एक सेल ऑफ देखने को मिल सकती है। लेकिन सेल ऑफ कितना होगा, एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा। तो इसमें ना इस कैंडल के लो तक का सपोर्ट एरिया रखना चाहिए। 448 हमारा सपोर्ट एरिया है जो कि इस कैंडल के आसपास का है, बराबर ना। तो यहाँ पे तब अगर बाई चांस अगर कल के दिन ब्रेकआउट ले लेता तो अच्छा हमको मूवमेंट 500 रुपये तक का देखने को मिल सकती है। दूसरा मूवमेंट जो रहेगा 540 तक का। अगर ये ब्रेकआउट नहीं ले पा रही, थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया, कभी भी डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं लेती, थोड़ा सा आगे नीचे आकर फिर दोबारा अपसाइड जाता है, तब ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे गया फिर नीचे आया, देखिए बहुत ज्यादा नीचे आ गया था। ऐसा नहीं, क्योंकि इनका रिजल्ट है ना, इनका एक RSE एक कंपनी है, बराबर ना, वो भी सरकारी कंपनी है, इन्हीं की एक तरह से सब्सिडियरी कंपनी है, बराबर ना। तो उसमें अच्छा खासा रिजल्ट है, उसमें तो 20% तक का एक शानदार रिटर्न देखने को मिला। और इसमें अभी कितना हो गया, तो देखो इस कैंडल का जब ब्रेकआउट लिया इसने तो यहाँ पे 397 से कैलकुलेट करते हो ना, कम से कम इसमें भी 20% का रिटर्न दे चुका है। तो इसमें ना थोड़ा 448 तक का सपोर्ट एरिया रखना चाहिए, और यहाँ से जब मूवमेंट फिर दोबारा अपसाइड लग जाएगा तो पहला 476, पहला ये हमारा टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट 500, दूसरा फिर तीसरा टारगेट 520 तक का देखने को मिल सकती है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जय हिंद।